हेलो दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग समाचार में आप सभी का स्वागत है। जी हां भाइयों, आज सुबह से ही अलवर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात शुरू हो चुकी है। साथ ही राजस्थान में यहां पूरे दिन रिमझिम बरसात व ओले हुए हैं। साथ ही 13 जिलों में बरसात व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हो चुका है राजस्थान के मौसम विभाग समाचार के अनुसार। तो भाई, हम आपको बताएंगे राजस्थान में कहाँ कहाँ ओले हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसानों को कितना नुकसान हो सकता है, किन किन फसलों में, वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। और भाई, आपसे विनती है, वीडियो को देखते ही शेयर कर दें ताकि राजस्थान के हर किसान तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी सतर्क हो जाएं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा आपके पास। तो चलो भाइयों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के शहरी ग्रामीण अंचल में सोमवार को पूरे दिन रिमझिम बरसात का दौर चलता रहा। गाँव में कई जगहों पर बरसात के साथ ओले गिरने के समाचार सामने आए हैं। दिन भर में करीब 2.8 में बरसात हुई, जिससे तापमान में 9.5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा चूरू और जैसलमेर में भी बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में बरसात व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। तो भाइयों, बीकानेर में अल सुबह से ही सर्द हवा के साथ बूंदाबांदी होने लगी, जो दिन निकलने तक हल्की बरसात में तब्दील हो गई। बादल छाए रहने से दिन भर सूरज के दर्शन भी नहीं हो पाए और मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक तेज बरसात हुई, जो 0.7 mm दर्ज की गई। इसके बाद 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रिमझिम बरसात हुई, जो 5.2 mm बरसात दर्ज की गई। वहीं 5:30 बजे तक बादलों की गर्जना भी होती रही और सोमवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बीकानेर के अंदर। साथ ही भाइयों, चूरू में कोहरे संग बूंदाबांदी और सीकर के अंदर भी। चूरू जिले में बूंदाबांदी के बाद चली नम हवाओं ने आमजन को ठिठुरा दिया है। बादलों के छाए रहने के साथ ही सीकर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री उछलकर 13.5 डिग्री पहुंच गया। दोपहर बाद मौसम खुला, लेकिन कुछ देर बाद फिर से बादल छा गए। वहीं भाइयों, राजस्थान में 29 और 30 जनवरी को मौसम विभाग ने गर्जना के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है। अब जानिए कहां कहां ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी को पूर्वी राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली की बरसात के साथ ओले गिर सकती है। हालांकि इस दिन पश्चिमी राजस्थान में इसका असर नहीं रहेगा, जबकि 30 जनवरी यानी गुरुवार को भी सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली के अलावा पश्चिमी जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तो भाई, जिन भी जिलों का हमने नाम लिया है, अगले 48 घंटे में यहाँ पर बरसात के साथ ओलावृष्टि आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी सुबह सुबह बड़ी खबर आ रही है, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात शुरू हो चुकी है। जी हाँ भाई, अलवर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में हल्की बरसात शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो भाइयों, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो भाई, ये थी पूरे राजस्थान के मौसम विभाग की बिल्कुल ताज़ जानकारी, जिसके अनुसार हमने आपको बता दिया कहाँ कहाँ बरसात हो सकती है। तो आप किसान भाइयों, तो हो जाइए सावधान। अगर आप इसी प्रकार और बड़ी खबर हमसे पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दे अपने नाम के साथ अपने मोबाइल नंबर, ताकि हम आपको पूरी सहायता कर सके। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज कितना ही भाई। जय हिंद, जय भारत।